हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर हिंदी में। आज दूसरी श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो संधि और उसके भेद से संबंधित पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले सवाल हैं। तो चलिए एक बार सरसरी नजर से इन सभी को हम लोग देखते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन मिलेगा तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो सर्वोत्तम के संधि विच्छेद की जब हम बात करेंगे तो सर्वधन उत्तम जो बनता है यह सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होता है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा, निर्भय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है। निह धन भय जो चौथा विकल्प आपका दिया है यह विसर्ग संधि है, विसर्ग हटेगी तो रा होगा, यह सही आपका विकल्प होगा। अनुच्छेद का सही जो है उचित विलोम शब्द क्या होगा। अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं अनुधन छेद जो बनेगा यह अनुच्छेद बनेगा, यानी सी विकल्प इसमें से सही जवाब बनेगा। अगला आपसे कह रहा अन्वय का संधि विच्छेद क्या बनेगा। अनुधन ऐ की जब हम बात करेंगे तो अनुधन ऐ से ई को जो है या ऊ का परिवर्तन वा में, तो यहां पर क्या बनेगा अन्वय बनेगा, यण संधि है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद पहचानिए। अवधन जा को कह रहा अवज होता है, उद्धन लेख को कह रहा उल्लेख होता, समधन कलन को कह रहा समकलन, और रीधन रा को कह रहा ऋण होता। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि कौन सा सही होगा तो अब जो है अवधन जा अब्ज जो बनेगा इससे जो है यह आपका गलत होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा बाघ का परिवर्तन अगले में जाएगा और ये परिवर्तन नहीं कर रहा। अगला आपसे क्या कह रहा निम्नलिखित में से उचित शब्द का जो है दिए गए शब्द का यद्यपि का हमें उचित संधि विच्छेद बताना है। इसमें से जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यदि धन अप मिलके यद्यपि बनता है। अगला कह रहा स्वरों के किस मेल से उत्पन्न विकार गुण संधि है, सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि जहां ऊपर एक मात्रा आपको देखने को मिलती है वो गुण होती है, जहां डबल मात्राएं देखने को मिलती है वहां पर क्या होती है वृद्धि होती है, जैसे ये वृद्धि में आएगा। अगला क्या कह रहा है रजनी शब्द का आपका जो संधि विच्छेद होगा वो किस में जाएगा। तो रजनी धन ईस होता है, आप सारे लोग जानते हैं रजनी और ईस मिलके क्या बनेगा रजनीस बनेगा। इसमें से जब आप देखेंगे बड़ी और बड़ी का मेल है, यानी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्या कह रहा कि वागी शब्द के लिए सही अब जो है विक्षेद क्या होगा। तो वाक धन ईस शब्द की जब हम बात करते हैं पहला विकल्प आपका सर्वोत्तम जवाब बनेगा। महर्षि के लिए सही संधि विक्षेद का चयन क्या होगा, तो महाधन ऋषि जो बनेगा ये महर्षि शब्द का सही संधि विक्षेद बनेगा। अगला कह रहा अन्वेषण के लिए सही संधि विक्षेद का चयन करिए, अनुधन ईषण शब्द जो होता है इससे क्या बनता है अन्वेषण शब्द बनता है। अगला प्रश्न कह रहा संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आपकी तीन प्रकार से होती है, आपकी जो है स्वर और फिर व्यंजन फिर उसके बाद विसर्ग। तीसरा क्या कह रहा यण संधि स्वर जो है यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, स्वाधीन कह रहा स्वागत कह रहा स्वास्थ्य कह रहा स्वल्प कह रहा। इसमें से जब 14 में आप सही विकल्प को देखेंगे तो इसमें जब हम स्वाधीन की जब बात करेंगे इसमें आपको यण संधि देखने को नहीं मिलेगी, स्वाधन आधीन ठीक है, आ और आ का मेल होगा तो दीर्घ के अंतर्गत आएगा। कौन सा शब्द आपका स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें से 15 में जब हम बात करेंगे तो इसमें से पौधन इत्र इसमें से क्या होगा पवित्र बनेगा, यही आपका क्या होता है स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अगला कह रहा मनस्ताप में कौन सी संधि है, तो मनाधन ताप होगा विसर्ग संधि का उदाहरण होगा मनस्ताप बनेगा। अगला कह रहा वयोवृद्ध में कौन सी संधि होती है, तो ऊपर एक की मात्रा लगी है आपको सीधा ध्यान रख देना है कि इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे चूंकि अयादि भी दिया है और यण भी दिया है विसर्ग दिया जाए तो वयाधन वृद्धि वयो वृद्धि होता है ठीक है। अगला दिया है दुहधन प्रकृति का सही संधि रूप क्या होगा, तो दुहधन प्रकृति को जब आप देखेंगे इसमें सही संधि रूप आपका दुहधन प्रकृति दुष्प्रकृत बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि नयन में कौन सी संधि होगी, तो 19 में बहुत अच्छी तरीके से अनन्य किएगा आए आए आओ आओ जहां आता है वहां अयादि होती है। अगला क्या कह रहा एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो एक धन एक मिलके एक एक बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, इसमें से जब आप देखेंगे किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं जाएगा तो ध्यान रखिएगा जैसे हम बात करते हैं पित्रादि पित्र धन आदि दिया है यही आपका गलत है। अगला आपसे कह रहा है कि तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो तद धन उपरांत जो बनता है ये क्या यही क्या बनता है यही आपका तदुपरांत शब्द बनता है। अगला 23 नंबर कह रहा है यण शब्द जो है का कौन सा सही उदाहरण है, तो इसमें से यण आप देखेंगे तो मनुधन अंतर इसमें से क्या होता है मनमंत्र होता है यही यण संधि का उदाहरण बनेगा। 24 में जब हम बात करते हैं स्वार्थ में कौन सी संधि है, तो स्वाधन अर्थ मिलके स्वार्थ बनता है दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। अगला कह रहा है पवन के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करिए, तो पोधन अन मिलके क्या बनता है पवन बनता है अयादि संधि के अंतर्गत है। अगला कह रहा महाऔषधि में कौन सी संधि है, तो महाधन औषधि ठीक है महाऔषधि बनता है ऊपर दो मात्राएं आ रही यानी वृद्ध संधि का उदाहरण है। अगला क्या कह रहा है
संधि विच्छेद में सही विकल्प का चयन करना है, दुरासा दो धन आशा मिलके दुरासा बनता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 28 नंबर, यद्यपि यदि धन अप मिलके यद्यपि शब्द बनते हैं, ठीक है, तो इसमें पहला जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब बनेगा। अगला आपसे 29 नंबर क्या कह रहा, अन्ना भाव में कौन सी आपकी संधि है, तो अन्ना भाव की जब हम बात करेंगे तो स्वर संधि का उदाहरण बनता है, इतना ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा कि सदैव, सदा धन एवं मिलके सदैव बनता है, वृद्धि संधि है। अगला कह रहा उच्छवास, तो उच्छवास की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें आपकी संधि कौन सी जाती है, जब हम बात करते हैं उत्तधन श्वास मिलके उच्छवास बनता है। 32 कह रहा है कि वाकजाल का सही संधि विच्छेद जो है क्या संधि होगी, वाक धन जाल मिलके बनता है, विसर्ग संधि होती है। अगला कह रहा है दुरात्मा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो दो धन आत्मा मिलके दुरात्मा बनता है, यानी सी विकल्प इसमें से सही होगा। आगे हम बात करते हैं किसमें, अगला प्रश्न 34 कह रहा है विधायक में कौन सी संधि है, विधेय धन अक मिलके विधायक बनता है, तो इसमें जब हम बात करते हैं आय, आय की मैंने चर्चा की थी, तो इसमें 34 में जो सही विकल्प जाएगा वह आपका विकल्प बी जाएगा, आयादि संधि बनेगा। धनोपार्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धनोपार्जन का सही संधि विच्छेद धन धन उपार्जन बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चार में से आपको शन लाभ का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनना है, तो 36 में सही जवाब क्या होगा, शम धन लाभ मिलके शन लाभ बनेगा। अगला क्या कह रहा है 37 नंबर, गजेंद्र में कौन सी संधि है, ऊपर एक मात्रा मिल रही, तो आपको समझ जाना है कि ये किसके अंतर्गत आ रही, गुड़ संधि के अंतर्गत आ रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि महेश्वरी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर का सही संधि विच्छेद बनेगा। 39 कह रहा है प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार कौन सी संधि होगी, 39 में जिन्होंने डी का चयन करेंगे, यण संधि होगी भाई, इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सदैव, सदा धन एव में कौन सी संधि होती है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसमें आपकी वृद्धि संधि होती है, डबल मात्रा लगी है। ऊपर क्या कह रहा है कि सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद आप बताइए, तो सूक्ति सुधन उक्ति मिलके क्या बनता है, सूक्ति बनता है, दीर्घ संधि आती है, यह ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 42 की जितेंद्रिय में सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, जितेंद्रिय जित धन इंद्रिय मिलके क्या बनेगा, जितेंद्रिय शब्द बनेगा। अगला कह रहा है कि सदानंद सत धन आनंद मिलके सदानंद बनता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी व्यंजन संधि है, उन्नति पुनः धन जो है, उन्नति की जब हम बात करेंगे तो उन्नति में व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बही धन कार मिलके बहिष्कार बनेगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला 46 नंबर आपसे कह रहा है कि जो है कौन सा सही संधि विच्छेद है, वीर धन अंगना वीरांगना बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जगदीश में संधि आपको चयनित करनी है, जगत धन ईस मिलके जगदीश बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नायक में कौन सी संधि होती है, तो नायक की जब हम बात करें तो ध्यान रखिएगा आय 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 आ रहा आयक आ रहा, मतलब ये क्या है, आयादि है। भोजनालय में पूछ रहा, भोजन धन आले आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। उसके बाद आपसे अंतिम प्रश्न कह रहा निष्कपट में कौन सी संधि, निह धन कपट निष्कपट बनेगा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार आपके 10 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड मोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।